आदिवासी समाज का मुख्य त्यौहारों में से एक सरहुल पर्व झारखंड की राजधानी रांची में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न अखाड़ों में पूजा अर्चना की गई, फिर शोभा यात्रा निकाली गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची के करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास में आयोजित सरहुल महोत्सव में आए और पूजा स्थल में शीश नवाकर राज की खुशहाली की कामना की तथा ढोल मांदर के धुन में मुख्यमंत्री खूब छात्रों के संग झूमते नजर आए और प्रकृति के पर्व सरहुल पर समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। रांची से सौरभ राय की रिपोर्ट। और हम लोग का प्रांगण आदिवासी समाज का एक प्रतीक के रूप में भी इसको हम देख रहे हैं। नवीन जी, और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को कहा है कि आदिवासी होस्टल का एक नया और भव्य तरीके से इस हॉस्टल का कार्यक्रम होना है। नीचे करना है लाइट योजना बन के तैयार हो गई, उसकी स्वीकृति भी हो गई है। यहाँ पर 500 बच्चों को हमारे नौजवान जो बाहर से पढ़ने आते हैं उनके आप भी नोटिस छात्रावास बनेगा और महिलाओं के लड़कियों के लिए भी खूबसूरत भाव्य मल्टी स्टोरेज हॉस्टल का भी निर्माण हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर आदिवासी हॉस्टल जहाँ महिला साइंस कॉलेज है वहाँ और जो हमारे राज्य में शहर के अंदर जो महिला कॉलेज है इसका भी क्योंकि इतना घनी आबादी के बीच में ये महिला कॉलेज है उसका भी बड़े पैमाने पर कार्य योजना बनाने के लिए सरकार काम कर रही है और बहुत जल्द हम लोग के यहाँ जो महिला कॉलेज का साइंस सेक्शन और आर्ट सेक्शन है एक भव्य रूप लेकर के हम लोग इसको एक नया आयाम देंगे जिसकी स्वीकृति हमने दे दी है। मुझे लगता है कि सरहुल पर्व वगैरह सब खत्म होते ही यहाँ पर कार्य चालू हो जाए। इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबके मालूम है सभी सरकार स्तर जितना भी हमारा धार्मिक स्तर है चाहे बसा हो सरकार हो और भी जो हम मनाते हैं त्यौहार पर उन सबको संरक्षित करने का भी निर्णय